नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजलाल चौधरी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज अपन डिमेंशिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिमेंशिया का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है अल्जीमर्स डिजीज, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि अल्जीमर्स डिजीज क्या जन्मजात होती है या फिर एक से दूसरे को फैलती है, या इसका इलाज संभव है या नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अल्जीमर्स डिजीज होती क्या है, एक डिमेंशिया की अपन डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डिमेंशिया क्या होता है कि जब पेशेंट को किसी एक कॉग्निटिव डोमेन के अंदर इम्पेयरमेंट होता है, लाइक मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन या फिर अटेंशन, इनमें से किसी एक में यदि मरीज को कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो अपनी डेली की जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो ना कर पाए, तो उसको अपन डिमेंशिया बोलते हैं। अब डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज अल्जीमर डिजीज होता है। तो अल्जीमर डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें अपन बात करें तो एक तो एज जो होता है, उम्र, बढ़ती हुई उम्र, वो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा फीमेल सेक्स में थोड़ा सा डिमेंशिया ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि फीमेल्स मेल्स के बजाय थोड़ा सा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। दूसरा, फीमेल्स के कुछ हार्मोन्स भी उत्तरदायी होते हैं। तीसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है उनमें यह थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, या जिनको डायबिटीज़ होता है उनमें यह कॉमन होता है। तीसरा, जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ये कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा आप जो अल्जीमर्स डिजीज के सिम्टम्स हैं उसमें यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो मेमोरी का इम्पेयरमेंट यूजुअली देखने को मिलता है। मेमोरी भी स्पेशली जो अपने रिसेंट पास्ट की मेमोरी है वो सबसे पहले इम्पेयर होती है। लाइक पेशेंट कई बार कुछ चीज़ें रख के भूल जाता है, कई बार कोई अपॉइंटमेंट भूल जाता है, या कई बार जब बीमारी प्रोग्रेस करती है तो अदर सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे पेशेंट हिसाब किताब में गड़बड़ी करने लगता है, कैलकुलेशन में डिफेक्ट आने लगते हैं, और कई बार लेटर ऑन जब डिमेंशिया प्रोग्रेस करता है तो कई बार पेशेंट अफेजिक होने लगता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है, चीज़ों के नाम बोलने में दिक्कत होने लगती है, वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं। जब पेशेंट का डिमेंशिया और प्रोग्रेस करता है तो कई बार पेशेंट देन व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है या बेड रिडन हो जाता है, वो लेटर स्टेज की बात है। अब बात करते हैं कि यार डिमेंशिया का ट्रीटमेंट संभव है या नहीं। तो डिमेंशिया का ट्रीटमेंट एक्चुअली अपन डिमेंशिया को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन इसका क्योर संभव नहीं है। इसको अपन क्योर नहीं कर सकते। इसको अपन कुछ हद तक इसके रिस्क जो हैं उनको अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ हद तक, और कुछ हद तक इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसको अपन क्योर नहीं कर सकते। कुछ मेडिसिन हैं जो इसके प्रोग्रेशन को रोकती हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो इसकी रिस्क को रोकती हैं, लाइक जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अपन मॉडिफाई करें तो इसके प्रोग्रेशन को अपन रोक सकते हैं। थैंक यू।